हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि संडे को बीपीएससी 69th का पीटी होने वाला है और जैसा पैटर्न चेंज हुआ है तो आपको अपनी तैयारियों को भी उसी प्रकार से चेंज करनी चाहिए कि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन हुआ करते थे, जैसा 2-3 एग्जाम हुआ लास्ट बीपीएससी का एग्जाम या टीचर्स का एग्जाम, तो क्वेश्चन का पैटर्न बहुत कुछ बदला है, ठीक है। और उस बदले हुए पैटर्न में आपको उस हिसाब से तैयारी करके जानी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि वो जो ट्रेडिशनल हुआ करता था कि जो फिक्स क्वेश्चन हुआ करते थे कि वही चंपारण पूछेगा, वही क्वेश्चन आएंगे असहयोग आंदोलन से, वही गांधी जी से क्वेश्चन आएगा, वो सब अब नहीं आ रहा है। क्वेश्चन जो आ रहा है वो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है, जिस प्रकार से डीप नॉलेज कह लो या कह लो बेसिक से क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन। तो आज जो टॉपिक हम लोग लेके आए हैं वो है हमारा मैप ऑफ बिहार, ठीक है। मैप ऑफ बिहार मतलब क्या हुआ कि बिहार के नक्शे को देखो, बिहार के मैप को देखो और उससे अपना क्वेश्चन खुद तैयार करो, क्योंकि आपको क्वेश्चन इससे दिखेंगे, ठीक है। तो जैसे बिहार का मैप लेके आया है, अगर मैप को पढ़ने की हम बात करते हैं तो मैप को पढ़ने का एक तरीका होता है, बेसिक से समझा रहे हैं और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब आप यहाँ से दोगे वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि किसी भी नक्शे को जब हम लेते हैं तो उसको इस तरह से बांटा जाता है कि अपर जो पार्ट होता है यह उसका नॉर्थ होता है, जो नीचे का पार्ट होता है वो साउथ होता है, ठीक है। इधर आपका ईस्ट होगा और इधर आपका वेस्ट होगा। तो वैसे ही अगर हम बिहार को देखें तो बिहार के नक्शे पर हम देखते हैं, ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला पोर्शन बिहार का क्या कहलाएगा, नॉर्थ कहलाएगा। ये वाला पोर्शन बिहार का क्या कहलाएगा, साउथ कहलाएगा, ठीक है। इधर जो पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ईस्ट कहलाएगा, और इस तरफ जो पोर्शन होगा वो कहलाएगा वेस्ट। तो पहले तो बिहार के चौहद्री को लिखो, मतलब बिहार के बाउंड्री को लिखो। अगर हम बात कर रहे हैं बाउंड्री की तो नॉर्थ में बिहार के क्या है, तो नॉर्थ में आपको दिख रहा होगा नॉर्थ में नेपाल है, ठीक है। नॉर्थ में कौन सा है, तो नेपाल है। केवल मैप को देखते जाओ और अपना कॉपी पे बनाते चले जाओ। साउथ में बिहार के क्या है, तो बिहार के साउथ में एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं ईस्ट में, तो ईस्ट में क्या है, तो बिहार के ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, और बिहार के वेस्ट में क्या है, तो बिहार के वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रकार से अगर हम देखिए, आपको बुक में ये लिखा हुआ रहता है, आपको रटना पड़ता है, रटो उटो मत इसको, ठीक है। ऊपर में नेपाल, यानी बिहार का एक बॉर्डर, यानी बाहर बिहार का उत्तरी बॉर्डर जो है वो एक देश से टिका हुआ मिला हुआ है। मतलब क्या हुआ कि वो एक आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी यहाँ जो बॉर्डर दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये आपका बिहार का इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। तो ऊपर में हम लोग एक देश से मिलते हैं, बाकी तीन साइड से हम राज्यों से मिलते हैं। मतलब क्या हुआ, चारों ओर से हम घिरे हुए हैं, ठीक है। तो चारों ओर से हम यहाँ घिरे हुए हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम घिरे हुए हैं तो अगला क्वेश्चन जो आपका आएगा यहाँ पर, अगर हम नेपाल से मिल रहे हैं तो बिहार का कौन कौन सा जिला कौन कौन से बाउंड्री पर मीट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, अगर हम नेपाल से मिलने वाले जिलों की संख्या की बात करें कि नेपाल से कौन कौन जिला हमारा बॉर्डर टच कर रहा है, ये पहला तुमको मिलेगा वेस्ट चंपारण, दूसरा मिलेगा ईस्ट चंपारण, तीसरा मिलेगा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया, सातवां किशनगंज। तो देख रहे हैं हम लोग कि नेपाल के साथ हमारा 7 जिलों का बॉर्डर टच कर रहा है, यानी 7 जिले बिहार के हैं जो नेपाल से टच करते हैं। यानी आपको एग्जाम में ये देगा कि इसको ना ऑर्डर में बनाया करो हमेशा, कि पहले अगर हम बात कर रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब क्या हुआ कि वेस्ट से हम ईस्ट की ओर या ईस्ट से हम वेस्ट की ओर, मतलब तैयार करो, हम अगर ईस्ट से वेस्ट की ओर तैयार कर रहे हैं तो हमको कौन कौन सा जिला मिलेगा। तो उसे पूछेगा आपसे, अगर हम किशनगंज से चलना शुरू किए, ठीक है, अगर हम किशनगंज से चलना शुरू किए तो हमको कौन कौन सा जिला को क्रॉस करते हुए हम उत्तर प्रदेश की ओर जाएंगे। मतलब क्या हुआ, किशनगंज से अगर चल रहे हैं तो पहला किशनगंज हो गया, दूसरा आपका अररिया हो गया, तीसरा आपका सुपौल हो गया, फिर आपको मिलेगा मधुबनी, फिर मिलेगा सीतामढ़ी, फिर मिलेगा ईस्ट चंपारण, और लास्ट में मिलेगा आपको वेस्ट चंपारण। तो ये ऑर्डर होगा, अगर वेस्ट ईस्ट की ओर जा रहे हैं तो वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये है नेपाल का आपका बॉर्डर, यानी नेपाल से टच करने वाले टोटल आपके 7 जिले हैं। वैसे ही अगर हम बात करते हैं ईस्ट की ओर, तो ईस्ट में आपके पास 3 जिले हैं जो वेस्ट बंगाल को टच कर रहे हैं, ठीक है। 3 जिले जो है वो वेस्ट बंगाल को टच कर रहे हैं। अगर देखें उसको तो कौन कौन सा है, एक किशनगंज है,
दूसरा पूर्णिया है और तीसरा कटिहार है। ये तीन जिले ऐसे हैं जो वेस्ट बंगाल को टच करते हैं। अगर ऑर्डर बनाते हैं नॉर्थ से साउथ की ओर तो हमको क्या क्या मिला, किशनगंज मिला, पूर्णिया मिला, कटिहार मिला। ये जो बॉर्डर आपका है ये आपका वेस्ट बंगाल से टच हो रहा है, ठीक है। यहां तक वेस्ट बंगाल है, फिर यहां से शुरू जो होगा ये आपका झारखंड शुरू हो जाएगा। तो अगर हम नेपाल से लिए तो नेपाल से हमको टोटल कितना मिला, 7 जिला। अगर हम वेस्ट बंगाल से लिए तो हमको कितना जिला मिला, 3 जिला मिला, ठीक है। अगर हम झारखंड से करते हैं कैलकुलेट कि झारखंड को कौन कौन सा जिला टच करेगा, तो झारखंड को अगर हम देखना चाहेंगे तो झारखंड में देखो यहां से सबसे पहला जिला कौन सा मिलेगा, कटिहार मिलेगा, ठीक है। हम ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रहे हैं तो पहला जिला कौन मिला, कटिहार। दूसरा कौन मिला, भागलपुर। तीसरा बांका। चौथा जमुई। पांचवा नवादा। छठा गया। सातवा औरंगाबाद। और आठवा रोहतास। यानी 8 जिले ऐसे हैं जो झारखंड को टच कर रहे हैं, ठीक है। झारखंड को टच करने वाले जिले टोटल कितने हो गए आपके, हो गए 8, ठीक है। नाम याद रखो, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कटिहार से शुरू करो तो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। इस प्रकार से 8 जिले ऐसे होंगे जो झारखंड को छुएंगे, ठीक है। अब आते हैं वेस्ट की ओर, आपके उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश को कौन कौन टच करेगा, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग लेंगे पहला जिला जो होगा वो होगा रोहतास। देख लो बॉर्डर यहां से शुरू हो गया उत्तर प्रदेश का, तो पहला रोहतास, दूसरा कैमूर, तीसरा बक्सर, चौथा भोजपुर, पांचवा सारण, छठा सिवान, सातवां गोपालगंज और आठवां वेस्ट चंपारण। यानी 8 जिले आपको वेस्ट में मिलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, सबसे कम किस राज्य से मेरा बॉर्डर है, सबसे छोटा मेरा बॉर्डर किस राज्य से है, तो दिख ही रहा केवल 3 जिले मिल रहे थे वेस्ट बंगाल से, ठीक है। अगर नेपाल से और कंपेयर करने बोले झारखंड से और यूपी से कि इसमें मेरा सबसे ज्यादा बॉर्डर किससे मिल रहा है, तो यहां और यहां आपको बराबर है 8 जिले मिल रहे हैं, ठीक है। नेपाल से यहां पर सबसे कम है, तो ऑर्डर सजाने के लिए भी आपको दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये हो गया बाउंड्री। अगर बाउंड्री को हम, ठीक है, अगर हम बाउंड्री को सेट करते हैं तो हमको क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पर तुम लोग अपना नेपाल के साथ जो हमारा 7 बॉर्डर है, ठीक है, नेपाल का जो हमारा 7 डिस्ट्रिक्ट है उस 7 डिस्ट्रिक्ट का नाम बना लो। झारखंड के साथ 8 है, वेस्ट बंगाल के साथ 3 है और उत्तराखंड 3 है। इस प्रकार से तुम जब बॉर्डर बना लोगे तो तुम्हें आगे अपने क्वेश्चंस को जवाब देने में बनेगा। अब आते हैं जब बॉर्डर बना लिए, अगला जो है बिहार को बांटा गया है कमिश्नरी में, मतलब परमंडल में। तो परमंडल को जानना और परमंडल का नाम और उसके साथ कौन कौन से जिले संबंध है ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैप पर देखते जाओ और परमंडल अपना बनाते जाओ। सबसे पहला जो तुम्हारा परमंडल है वो है सारण। सारण जिसको हम लोग छपड़ा भी कहते हैं, तो सारण परमंडल है। सारण परमंडल देखो कहाँ है, सारण में आपका मुख्यालय ये है, ठीक है। तो सारण के साथ 3 जिले मिले हुए हैं, एक सारण हो गया, दूसरा सिवान है और तीसरा गोपालगंज है। यानी सारण में आपको सारण मिलेगा, सारण में आपको सारण मिलेगा, सिवान मिलेगा और गोपालगंज मिलेगा। 3 जिलों से मिलकर ये कमिश्नरी बना हुआ है। टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई, सारण की 3 हो गई। चाहो तो तुम इसको कलर कर लो, ये आपका सारण वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये आपका सारण वाला क्षेत्र हो गया, ठीक। 3 जिले यहां पर मिले। उसके बाद दूसरा जो हम लेंगे, दूसरा हम लेंगे तिरहुत। तिरहुत जो मुजफ्फरपुर उसका मुख्यालय होगा, इसमें आपको कौन कौन से जिले मिलेंगे। तिरहुत में मिलेगा आपको सबसे पहले वेस्ट चंपारण, फिर मिलेगा ईस्ट चंपारण, ठीक है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है। तो लिख दो इसको, शिवहर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, वैशाली है और मुजफ्फरपुर इसका हो जाएगा हेड क्वार्टर। तो इस प्रकार से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 जिले यहां पर मिलेंगे। यानी कि अगर नाम लिखना चाहें हम यहां पर तो 1, 2, 3, 4, 5,
छः, इसको आप कलर कर लो। ये वाला जो रीजन है, ये रीजन आपका तिरहुत से तिरहुत को बना रहा है, ठीक है, ये रीजन आपका तिरहुत को बना रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, तिरहुत के बाद तीसरा ले लो कोसी परमंडल। कोसी परमंडल, कोसी परमंडल में आपको मिलेंगे समस्तीपुर, दरभंगा, सॉरी कोसी में मिलेगा सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कोसी में यहां लिख लो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, तीन डिस्ट्रिक्ट आपको यहां मिले, इसमें छह मिला था, इसमें तीन मिले, ठीक है। इसको कलर कर लो अपने हिसाब से ताकि आपको दिखता रहे कि कोसी कहाँ है, ये कोसी वाला है। ये जो बीच का पोर्शन छूटा वो है दरभंगा, वो है दरभंगा। दरभंगा में कौन कौन जिले होंगे? दरभंगा में तीनों, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। तो दरभंगा खुद होगा, मधुबनी और समस्तीपुर, इस प्रकार से तीन जिलों से मिलकर दरभंगा कमिश्नरी बन गया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो अब मिलेगा आपको उसके बाद पूर्णिया। पूर्णिया को मैप में देखो, ये वाला जो पोर्शन आपका है, ये पूरा पोर्शन जो है ये पूर्णिया कहलाता है, ये पूरा पोर्शन, ठीक है। तो पूर्णिया मिलेगा, अररिया मिलेगा, किशनगंज और कटिहार, चार जिले आपको वहां पर मिलेंगे, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। तो लिख लो इसको पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज, ठीक है। तो चार जिले यहां मिल गए, ठीक है। अब नीचे आओ, ये हम लोग कहां पे देखे, हम लोग ये देखे नॉर्दर्न पार्ट में, ऊपर का पार्ट को देखे, ऊपर के पार्ट में आपको क्या क्या दिखा, टोटल पांच कमिश्नरी दिखे ऊपर के पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में। अब आओ साउथ में, नीचे, ठीक है। नॉर्दर्न में पांच फिर से रिवाइज कर लो, पहला तुमको सारण दिखा, दूसरा तुमको तिरहुत दिखा, फिर दरभंगा दिखा, फिर कोसी दिखा, फिर पूर्णिया दिखा, चार पांच आपके कमिश्नरी ऊपर। अब नीचे में बात करते हैं, सबसे पहला कमिश्नरी यहाँ उठा भागलपुर, ठीक है। तो भागलपुर में केवल दो जिले, भागलपुर और बांका, भागलपुर में केवल दो जिले। तो भागलपुर अब हम लोग साउथ बिहार में इन कर रहे हैं, तो भागलपुर में भागलपुर और बांका दो जिले यहाँ पर मिलेंगे, यानी दो यहाँ पर है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं मुंगेर, तो जैसे मुंगेर इन करोगे तो मुंगेर में देखो, मुंगेर तो मुंगेर एक, जमुई इसके साथ जुड़ा होगा, लखीसराय तीन, खगड़िया चार, बेगूसराय पांच, शेखपुरा छः, यानी ये जो रीजन बन रहा है इस तरह से, ये जो रीजन बन रहा है ये पूरा आपका मुंगेर का रीजन है, ठीक है। ये जो रीजन बना ये पूरा मुंगेर का रीजन बना, दिख रहा होगा, तो मुंगेर हमने बना लिया। अब मुंगेर के बाद अगला जो आएंगे, लिख लो यहाँ पर सातवां मुंगेर, ठीक है। टोटल आपके पास छह जिले मुंगेर में दिखे। उसके बाद आते हैं अब औरंगाबाद, मगध आते हैं, मगध मतलब गया, मगध का मतलब क्या हो गया, हम लोग गया इन कर गए, गया, मगध, ठीक है। नवादा दो, औरंगाबाद तीन, अरवल चार, जहानाबाद पांच, मतलब क्या हुआ, ये पोर्शन देखो गौर से, ये जो पोर्शन है आपका ये बन गया मगध रीजन, ये बन गया मगध रीजन, ठीक है। तो मगध आ गया, मुंगेर के बाद मगध मिला, ठीक है। तो आपका जो आठवां कमिश्नरी होगा वो होगा मगध, जिसमें आपको टोटल पांच जिले मिल रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट जो बच गया वो पूरा पटना है, जो लास्ट बच गया वो पूरा पटना, मतलब क्या हुआ, यहां से घेरते जाओ, ठीक है, यहां से घेरते हुए जाओ, जो जो बचा सब तुमको पटना दिखा, क्या क्या दिख रहा, पटना सबसे पहले एक, नालंदा दो, भोजपुर तीन, बक्सर चार, रोहतास पांच, कैमूर छः, ये रीजन है। अब देख लो इसी फिगर को देख के तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि तो सबसे बड़ा कमिश्नरी कौन सा है, तो देख के भी तुमको समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़ा रीजन जो है वो पटना का है,
जो सबसे बड़ा रीजन है वो पटना का है, ठीक है। तो कमिश्नरियों में बांट दिया गया। अब तो इस प्रकार से तुम देखोगे तो टोटल 9 कमिश्नरी तुम्हारे पास मिलते हैं। टोटल तुम्हारे पास कमिश्नरी कितने आते हैं? 9। तो 9 कमिश्नरी है, और 9 कमिश्नरी से कौन कौन सा जिला संबंध है ये आपको मैप में भी पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। अब अगर इसको देखने के बाद अब आते हैं एक लास्ट पोर्शन पर, गंगा। गंगा किस प्रकार से बिहार में इन कर रही है, ठीक है। ये देखो, गंगा इन करती है बक्सर से, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। अब केवल यहाँ पर देखना है कि गंगा कौन कौन से जिला को टच कर रही है। तो गंगा सबसे पहले एक नंबर बक्सर को टच कर रही है, गौर से देखो, ठीक है। दो नंबर फिर भोजपुर को टच कर रही है, तीन देखो पटना को टच कर रही है, चार वैशाली को टच की, पांच समस्तीपुर को टच की, छह बेगूसराय को, थोड़ा सा लखीसराय, सात मुंगेर, आठ खगड़िया, नौ दस हो गया आपका भागलपुर, फिर यहां से झारखंड गई, अब फिर 11 नंबर आई कटिहार में। तो तुम देखोगे कि तुम्हारे बीचों बीच एक तरीके से कहो तो गंगा जो है बिहार को दो पार्ट में बांट रही है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा को लेकर पूछा गया था कि आपके कौन से दो कमिश्नरी को गंगा टच नहीं करती है, जिसमें थोड़ा ऑप्शन दिमाग में रहो। इधर कमिश्नरी की हम बात करते हैं तो गंगा कौन कौन से कमिश्नरी को टच कर रही है, पहले यही सोच लेते हैं। जैसे गंगा इनकी पटना बक्सर में, तो बक्सर कौन सा कमिश्नरी था? पटना कमिश्नरी था, यानी पटना कमिश्नरी को गंगा ने टच कर दिया, ठीक है। आगे जब पटना से बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है, थोड़ा सा वैशाली को टच की। वैशाली मतलब क्या हुआ? तिरहुत, मुजफ्फरपुर वाला डिस्ट्रिक्ट, यानी तिरहुत कमिश्नरी को भी टच कर रही है, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़े तो समस्तीपुर को टच कर गया, यानी कि दरभंगा कमिश्नरी को भी टच कर रहा है गंगा, ठीक है। दरभंगा कमिश्नरी को भी टच कर रहा है, तिरहुत को भी टच कर रहा है, पटना को भी टच कर रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तक तीन कमिश्नरी तो मिल गया। आगे बढ़ते हैं बेगूसराय, जैसे बेगूसराय लखीसराय पोर्शन में घुसते हैं, या मुंगेर, ये मुंगेर कमिश्नरी को टच कर गया। अब फिर भागलपुर को गया तो भागलपुर कमिश्नरी को टच कर गया, ठीक है। और उसके बाद कटिहार इन किया तो कटिहार जब इन किया तो कटिहार मतलब क्या हुआ? पूर्णिया को टच कर गया। यानी कि आपको क्या दिख रहा है कि अगर गंगा की हम बात करें कौन कौन सी कमिश्नरी को टच कर रहा है गंगा, तो आपको क्या क्या मिला? सबसे पहले मिला पटना, पटना कमिश्नरी को टच किया एक नंबर। दूसरा नंबर अगर हम बात करें तो वैशाली का मतलब था, ठीक है, वैशाली का मतलब क्या था? तिरुहुत को टच किया, ठीक है। तीन नंबर अगर हम बात करें, तिरहुत से आगे बढ़े समस्तीपुर, तो दरभंगा को टच किया। चार बात करते हैं अगर दरभंगा से आगे बढ़ते हैं तो मुंगेर कमिश्नरी को टच कर रहा है, ठीक है। मुंगेर से अगर आगे हम बढ़ते हैं तो भागलपुर, और उससे आगे जब हम बढ़ेंगे कटिहार साइड में तो पूर्णिया मिलेगा। तो इस प्रकार से तुम देखो तो तुम्हारे पास टोटल 9 कमिश्नरी था, 9 कमिश्नरी में 6 कमिश्नरी को गंगा टच कर रही है, ठीक है। तो बच कौन कौन सा गया देख लो, कॉमन सेंस यहां तुम लगा सकते हो। सबसे पहले कॉमन सेंस अगर हम लगाएंगे तो तुमको मिलेगा कि मगध रीजन को गंगा टच नहीं करती है, मगध रीजन को गंगा टच नहीं करती है। वैसे ही देखेंगे यहाँ पर जो मेरा कोसी वाला रीजन था, सहरसा मधेपुरा वाला रीजन था, इसमें गंगा टच नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको गंगा टच करती हुई नहीं दिखेगी। और उसके बाद हम देखेंगे सारण वाला इलाका, तो सारण वाले में भी इलाका में गंगा आपको टच करते हुए नहीं दिखेगी। तो 6 कमिश्नरी में गंगा टच कर रही है, 3 कमिश्नरी में गंगा टच नहीं कर रही है। तो ये था तुम्हारा मैप से किस प्रकार से बिहार को जाना जाए, ठीक है। इसी प्रकार के वीडियो, इसी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स टॉपिक होंगे वो आपको हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।